विस्मय प्रसाद वाव टेक्निकल वीडियोस चैनल की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को दबा दो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज के एक नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। कॉन्टैक्ट नंबर आज के समय में कितने ज्यादा जरूरी है हम अच्छी तरह जानते हैं। एक समय ऐसा था कि जब हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट को हम एक डायरी या कॉपी में लिख के रखते थे जिससे कि हमारा फ़ोन नंबर सेव रहे, और जब भी हम किसी को फ़ोन करना पड़ता था कि तब हम हमारी डायरी को ओपन करते थे और फ़ोन नंबर डायल करते थे। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन आना शुरू हुआ है तब से हमें अपने फ़ोन नंबर को अपने फ़ोन में ही सेव करके रखते हैं। लेकिन जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा फ़ोन कभी भी चोरी हो सकता है या फिर हमारा फ़ोन कहीं गिर भी सकता है, तो ऐसे में हमारे फ़ोन नंबर फ़ोन के साथ चले जाते हैं क्योंकि हम अपने फ़ोन कॉन्टैक्ट का बैकअप नहीं बना के रखते हैं। इसलिए ये वीडियो में आपको वीकार्ड की मदद से आपके मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट नंबर का बैकअप बनाना बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में वीकार्ड क्रिएट कर सकते हैं और इसका बैकअप बना के रख सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। दोस्तों, मैं हूँ प्रसाद और आप देख रहे हैं वाव टेक्निकल वीडियोज। लेट्स स्टार्ट, लेट्स एक्सप्लोर। अपने एंड्रॉयड फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट का बैकअप बनाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट में जाना होगा। फिर उसके बाद मोर ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। मोर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग दिखाई देगी। अब आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का, आपको इसको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको डिवाइस सिलेक्ट करना है, आपको कहाँ पे आपको बैकअप बनाना है, मेमोरी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज में, आप जो चाहे वो चुन सकते हैं। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट नंबर यानी फोन नंबर का बैकअप बन जाएगा। इसके बाद आपको मोबाइल में फाइल मैनेजर में जाके एसडी कार्ड में यानी मेमोरी कार्ड में चेक कर सकते हैं। सबसे नीचे स्लाइड करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट रिसीव नाम का फाइल मिल जाएगा जो कि अपने कॉन्टैक्ट नंबर का बैकअप होगा। दोस्तों, अगर आपको इस फोन के सारे कॉन्टैक्ट दूसरे फोन में डालने हैं या फिर दूसरे फोन में आपको इंपोर्ट करना है तो आपको बस सेटिंग में जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको स्टोरेज सिलेक्ट करना है जहाँ पे अपने सारे कॉन्टैक्ट का बैकअप फाइल है। इसके बाद आपको सारे मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर ऐड हो जाएंगे। अब आप इस फाइल को गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं और जब भी आपको ये फाइल चाहिए तो आप गूगल ड्राइव से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल ड्राइव से आप किसी को भी ये शेयर भी कर सकते हैं या दूसरे फ़ोन में आप शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो देख के आप भी जान गए होंगे कि अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स का बैकअप कैसे लिया जाता है। तो आप अभी तुरंत अपने फ़ोन में अपने कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लेके सेव करें। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टेक्नोलॉजी से भरे वीडियो लेकर हम आपके लिए हमेशा आते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।